बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिग न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद अफजल वट्टू। खबर शामिल करते हैं मुरीद के से, जहां डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया का असिस्टेंट कमिश्नर सरमद तैमूर के हमरा रेल बाजार का सरप्राइज विजिट, जहां फल महंगे दामों बेचने पर डिप्टी कमिश्नर असगर जोया ने नोटिस ले लिया, जहाँ उन्होंने ताजर बरादरी को वार्निंग दी कि शिया खुर्दो नोश को सरकारी रेट के मुताबिक बेचें, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाएं। चीनी 70 रुपये किलो बेचने को यकीनी बनाए। इसके अलावा डीसी ने कोरोना एसओपीज का भी जायजा लिया। डीसी असगर जोया ने शहर में सफाई के बेहतरीन निजाम पर एसी सरमद तैमूर की काविशों को सराहा। मजीद तफसील जानते हैं वहां से बिग न्यूज के नुमाइंदा आगा मोहसिन रजा से। जी आगा मोहसिन रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर सरमद तैमूर के हमरा रेल बाजार समेत फल मंडी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया और कहा शियाए खुर्दनोश सरकारी रेट से महंगे दामों फरोख्त करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। मार्केट में फलों की कीमत आसमान को छूने पर सख्त नोटिस लिया। मजीद कहा कि ताजर बरादरी 70 रुपये चीनी की कीमत को यकीनी बनाए। आवाम की जानो माल और सेहत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। शहर में सफाई के बेहतरीन निजाम पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद तैमूर भट्टी की काविशों को सराहा। जी बहुत शुक्रिया मौसम तफसीलात से आगाह करने का। अब रुख करते हैं मुरीद के, जहां जलाल टाउन में नामालूम मुलजम ने बाप बेटे पर तेज धार आला से हमला कर दिया, जिससे जख्मों की ताब ना लाते हुए बाप मौका पर जान बाग, जबकि बेटे की हालत तशवीशनाक है, जिस पर पुलिस मसरूफ तफ्तीश है।